नमस्कार दोस्तों, आप कविता बोल देख रहे हैं और मेरा नाम मनीष कुमार यादव है। दोस्तों, आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं वो हमारे ही एक दर्शक ने हमें भेजी है। उनका नाम है रविकांत। कविता का शीर्षक है सूर्य का अंतर्द्वंद। आज की कविता शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है, यदि आपको कविता बोल का काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को पूरा देखें और लाइक और शेयर करें बाकी लोगों से, ताकि ये अच्छी चीज़ें देश और दुनिया में अलग अलग लोगों तक पहुंचाई जा सके। इसी के साथ आइए आज की कविता सुनते हैं जो हमारे दर्शक रविकांत जी ने हमें भेजी है। बड़ी ही सुंदर कविता है जिसका शीर्षक है सूर्य का अंतर्द्वंद। संसार की रोशनी के लिए कण कण जला बैठा हूं, निकटता की परिधि को लांघकर ब्रह्मांड के अनंत पर जा टिका हूं, जगत के स्याह को मिटाने में खुद को खो बैठा हूं और त्याग के सोपान पर बढ़ते बढ़ते बहुत ऊपर तक चढ़ चुका हूं, इतना ऊपर कि वायु अब मुझे श्वास नहीं दे सकती, ओस की बूंदें मेरे जलते हृदय को सर्द नहीं कर सकती, ऊब चुका हूं इस न्यारेपन से, क्या अब उतर चलूं धरा पर, अपने आलोक को बुझाकर घुल जाऊं किसी भीड़ में, या फिर करने लगूं आलिंगन मैं खुद से और भूल जाऊं कि जगत मुझसे ही दीपित है। नहीं नहीं, अब मेरा लौटना प्रभात की आशा में बैठे जीवों को निशा की निराशा देना होगा, मृदा से उगते अंकुरों को निष्पाप ही शाप देना होगा, मेरा लौटना प्रकृति का मरण होगा, उसके जीवों का पल पल क्षरण होगा, मैं नहीं लौटूंगा, मैं अकेला कहां हूं, ये वन ये गुहा लता सब मेरे ही तो हैं, ये कल कल करते झरने मेरे ही तो हैं, मोर के नृत्य पर करतल करते ये वृक्ष मेरे ही तो हैं, ये गौरैया की चंचलता पर मुस्कान भरते पुष्प मेरे ही तो हैं, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं, मैं जहां हूं उपयुक्त पद पर हूं। शुक्रिया।